दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आई मोबाइल पे ICICI बैंक एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन में आई मोबाइल पे ICICI बैंक एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही और आप इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप का, आपको ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट का, आपको ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी ऐप रहेगी वो ऐप आपके सामने आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ से आपको ICICI बैंक एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप आई मोबाइल पे ICICI बैंक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको और ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का, स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का, स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको और ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लाउड स्टोर का, आपको क्लाउड स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लाउड स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आई मोबाइल पे ICICI बैंक एप्लीकेशन का जो भी डाटा रहेगा, जो भी वायरस रहेंगे वहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके फ़ोन में ICICI बैंक एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपके भी फोन में ICICI बैंक एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है तो आप इस प्रॉब्लम को इस पर ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।